हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार सिंह शिक्षा धाम से। आज आपको बीकॉम सेमेस्टर 5, और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के बीकॉम के अलावा किसी सेमेस्टर में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा सेमेस्टर 5 के अंदर, चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे ऑनर्स का हो, उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बात करने वाला हूँ। 50 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, तो 50 डेज से बिफोर आप किस तरीके से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम को। और एक छोटा सा है कि काफ़ी सारे बच्चे ना अभी भी इस बात को लेके चल रहे हैं कि अभी तो सर एडमिशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सर रिजल्ट भी नहीं आया, तो कैसे करें। तो आपको याद होगा आपका तीसरे सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आता था, तो चौथे का एग्ज़ाम भी हो गया रिजल्ट, और वो कभी भी दे देंगे 1 वीक 2 वीक बिफोर, और आपका एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम डेट दे दिया। अब इसका सिंपल सी बात है, मेरे कहने पे मत जाइए आप, SOL ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है और DU ने क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर रखी है, शेड्यूल आपको मिल भी चुका होगा। तो सर DU ने जब स्टडी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब वो चाह रही है कि भैया तुम पढ़ लो, रिजल्ट बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम रिजल्ट दे देंगे उसके बाद आपको मत बोलना कि समय नहीं मिला। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, DU भी अपना काम कर रहा है, आपको भी अपना काम करना है कि जी पांचवें सेमेस्टर 50 दिन पहले, 50 दिन बचे मैक्सिमम, 50 दिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर और दिसंबर में एग्जाम ही है, तो मैं मैक्सिमम 50 दिन पहले। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी ये आ रही थी, कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे थे सर बैच तो बीच में चले गए, आप हमारा ज्वाइन करके क्या फ़ायदा, बैच स्टार्टिंग से होता तो बेनिफिट मिलता हमें, काफ़ी सारे इस बैच में कि एक नया फ्रेश बैच बना लो। उन बच्चों के लिए भी है, और जो YouTube पे बच्चे देखते हैं उनकी तो मैं क्लासेस अपलोड कर ही रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कुछ 50 दिन का प्लान आपके सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर न्यू बैच, फास्ट ट्रैक बैच, मैं न्यू बैच लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपका रेगुलर क्लासेस, जिसके अंदर रेगुलर आपकी रिकॉर्डेड प्लस लाइव, कुछ क्लासेस आपके लाइव रेगुलर बेसिस पे अपडेट करूंगा, कुछ रिकॉर्डेड, टाइमिंग एक फिक्स करके बता दिया जाएगा आपको। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रेगुलर क्लासेस डलेंगी आपकी, तो 50 दिन के अंदर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म किया जा सकता है। आपके चैप्टर्स मैं बता दूं, यूनिट 1 के अंदर एक पहला चैप्टर है आपका थ्योरी का, और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये प्रैक्टिकल है सर, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसको करने में समय कितना लगेगा सर, 4 दिन, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सर कैपिटल बजटिंग, एक ही चैप्टर है सर कैपिटल बजटिंग का, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर एक ही है, करने में कितने दिन लगने हैं सर, मुश्किल से आप मान के चलिए 15 क्लासेस। सर बड़ा चैप्टर है, मैं कह रहा हूं एक ही चैप्टर है 15 नंबर का, 15 क्लासेस लगेंगे, तो 15 और 4 20 दिन हो जाते हैं आपके। ऐसे ही देखा जाए तो जो यूनिट 3 है इसके चैप्टर है 1 2 3 4 चैप्टर है सर, इसमें कितना टाइम लगने वाला है सर, इसके अंदर भी आपका 20 दिन लग जाएंगे, रेगुलर क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, ये भी 15 नंबर सर। ऑप्शन कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑप्शन में भी कुछ आएगा, बिल्कुल, देखो कैपिटल बजटिंग के ऑप्शन में कैपिटल बजटिंग, यूनिट वाइज के ऑप्शन में यूनिट वाइज रखा हुआ है DU ने। डिविडेंड पॉलिसी ये 15 नंबर का अकेला एक ही चैप्टर है सर, कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। तो आप देखिएगा 20, 40 और 44, 43 दिन हो गए, मैंने 50 दिन का बोला है, और ये सारे के सारे चैप्टर इसके अंदर, ये कुछ चैप्टर है EOQ वही है जो कि आप कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, बिल्कुल सेम है ये, तो इसमें 1 डेज मान लो, पूरे यूनिट को अगर खत्म करें तो 1 वीक तो लगेगा, 7 डेज, मैं रेगुलर क्लास की बात कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा का सारा 50 दिन नहीं, मैं 40 दिन में कवर करवाऊँ, थोड़ी क्लासेस लंबी लेके। तो सर गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स को आप ऑप्ट कर पाएं, क्योंकि एग्जाम तो आपका डेट शीट आ चुका है, एग्जाम तो तय डेट पे ही होगा जिस दिन पे DU ने डिसाइड कर लिया है, आपको आता है नहीं आता। सबसे बड़ी टेंशन इसके अंदर पता है कि आप एक पेपर में फेल हो गए तो पूरे में फेल माने जाओगे इस बार, क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर आप एक पेपर में भी फेल हो गए तो आप पूरा साल खराब होगा, फेल माने जाओगे, तो इसको बिल्कुल भी लीनियंट ना ले।
जिन बच्चों ने सोच रखा है एफएम करना है, सोच रहे बाद में कर लेंगे, वही कहानी दोबारा रिपीट होके आ जाएगी आपके लाइफ में कि 10 दिन पहले के हम पूरे चार चार पांच पांच घंटे पढ़ रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं, पेपर में आया तो 75 में से हमने कुछ मार्क्स ऑप्ट किए। मैं बता दूं आपके लिए ना, एक गुड अपॉर्चुनिटी यह है, एमबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एमबीए लेके आई है और उन्होंने अभी पूरा क्लियरिटी नहीं दिया लेकिन बोला है कि 80% पे हम आपको एडमिशन दे देंगे। सर आप एमबीए करने जाओगे ना अदर यूनिवर्सिटी से, अमेठी यूनिवर्सिटी हो गया और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, खर्चा आता है 7 से 8 लाख रुपया। डीयू से करने जाओ, इसने बोला 1 लाख रुपए में आपको एमबीए कराएंगे। और सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी आप भी जानते हो, भले ही पेपर में मैं मानता हूं ऊपर नीचे हुआ लेकिन एक गुडविल की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। देखिए एमबीए इज एमबीए, लेकिन एमबीए देखो ग्रेजुएशन बोला जाता है एनी कॉलेज से करिए फर्क नहीं पड़ता, 12th सीबीएसई करिए स्टेट बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, 10th कहीं से भी करिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स आपको अच्छे यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद आपको जॉब मिलना है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है एमबीए इक्विवेलेंट है, कहीं से भी करिए, आप इग्नू से कर लीजिए एमबीए, 1 लाख रुपए में कराएगा, 15,000 की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं वही बच्चे 10-10 लाख रुपए का पैकेज लेके जाते हैं आराम से। तो एमबीए में आपको एडमिशन पता कब होगा, अप्रैल में इसके एग्जाम या अप्रैल में कुछ ना कुछ निकाल देंगे ये अवेटेड बेसिस पे। कैट के एग्जाम वाले तो भैया पता ही अप्रैल में एग्जाम हो जाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको लेके चलना है कि भैया अगर आपके एक पेपर में ऊपर नीचे हो गया तो मान के चलो आपका करियर 1 साल के लिए स्टॉप लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। और 1 साल पढ़ाई से अगर आप रुक जाते हो ना तो आपका समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपका चला जाता है उसके अंदर, टाइम की वैल्यू है। तो सर मैंने फटाफट से यही कोशिश की है कि आप लोगों के यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, भैया रेगुलर क्लासेस लीजिए आप, आपके वहां पे सीक्वेंस से वीडियो डल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें डाउट लेना है, लाइव सेशन लेना है, आपसे डाउट पूछना है, उनके लिए मैं लेके आया हूं। कोई बोल रहे थे सर आप स्टार्ट कर दो, उसके लिए मैंने रेगुलर बेसिस पे डाउट का भी प्रोविजन, और इसका प्राइस नॉमिनल सा प्राइस रखा हुआ है 499 रुपीज फुल कोर्स, सिर्फ 499 रुपए का कोर्स मैंने नॉर्मल रखा हुआ है इसका प्राइस। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहां से आप बाय कर सकते हैं, नंबर गिवन है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उससे, सारे जो भी क्वेश्चन है इफ बट आप पूछ सकते हैं उनसे। तो मैं जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं तो सर वो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं नो नीड टू बाय दिस कोर्स, उसे जरूरत ही नहीं है ये कोर्स बाय करने की। वाई? बिकॉज आप स्टडी कर रहे हो। उन्हीं बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं ये कोर्स लेना चाहिए या ले सकते हैं जो स्टूडेंट चाहते हैं लाइव क्लास मिले, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि डाउट सेशन भी हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो आप सब क्लासेस देख रहे हैं यूट्यूब पे, मेरी कोशिश रहती है डाउट रहे ना, लेकिन काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ मिल जाए, ये मिल जाए इस तरीके से, और मैं 10 ईयर के अंदर से ही सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चा नोट्स बोलते हैं ना, 10 ईयर खरीद लीजिए शिवदास का, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। शिवदास का 10 ईयर खरीद लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, मार्केट में ऑनर्स प्रोग्राम दोनों का अवेलेबल है, आप खरीदिए। जहां भी रहते हैं पूरे दिल्ली में अपने नियर बाय शॉप पे जाइए और बोलिए शिवदास का 10 ईयर मिल जाएगा आपको। इसलिए इसके अंदर जितने भी नोट्स है, जितने भी क्वेश्चन, सारे मैंने अपडेट कर दिए हैं पढ़ने के लिए। तो 499 का मैंने जो प्राइस रखा है, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी डेली बेसिस पे अपलोड होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, प्लस 10 ईयर के क्वेश्चन भी सोल्यूशन कराए जाएंगे, डाउट टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो सारी चीजें ली जाएगी। बस आपको यही अवेयर करना था, आपका टारगेट जो बच्चे कुछ नहीं सोच रहे करेंगे तो एमबीए एटलीस्ट टारगेट लेके चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो शायद आपका बहुत अच्छा आगे जाके करियर बन जाएगा। तो बस आपको ये बताना था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। बैच कब से स्टार्ट होगा? सर ये बैच आज की डेट पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आज का डेट है हमारा 14 और ये हमारा जो डे है, तो मान के चलिए आप सैटरडे से क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आने लग जाएगी सैटरडे, और हो सकता है मैं फ्राइडे से ही अपलोड करना या लेना चालू कर दूं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ।